हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। प्रॉफिट बुकिंग के कारण क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट, बिटकॉइन लुटका 44,000 डॉलर से नीचे। रशिया द्वारा प्रतिबंधों को तोड़ने से रोकेगा यूएस ट्रेजरी, करेगा क्रिप्टो सेक्टर की निगरानी। कॉन्सेंसिस के पूर्व कर्मचारियों ने घोटाले की जांच के लिए की ऑडिट की मांग। चार्ल्स श्वाब ने क्रिप्टो इकोनॉमी ईटीएफ के लिए दायर की याचिका। जापानीज फाइनेंस जायंट नोमुरा डिजिटल लॉन्च करेगा एसेट डिवीजन। सोनी और यूनिवर्सल स्नो क्रैश पर लॉन्च करेंगे बॉब डायलन और माइल्स डेविस की एनएफटी। प्रभास, पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम के मेकर्स ने फैंस के लिए खोले मेटावर्स के दरवाजे। एफटीएक्स यूएस प्रेसिडेंट ने कहा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स द्वारा संचालित होती है क्रिप्टो प्राइसेस। टेरा के ल्यूना ने स्टेकिंग वैल्यू में इथेरियम 2.0 को दी मात। रशिया और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले क्रिप्टो करेंसीज ने देर से एशियन ट्रेड्स में अपने कुछ गेंस को इरेज कर दिया, जबकि बिटकॉइन को 44,000 डॉलर से नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया था। रशिया और यूक्रेन के डेलीगेशंस द्वारा थर्सडे को बेलारस में आमने सामने बातचीत होने की उम्मीद है। बता दें कि 8 दिन पहले रूसी आक्रमण के बाद से ये दूसरी ऐसी बैठक है। वही दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की इस महीने के अंत में बैठक में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक के कमेंट्स के बारे में भी इन्वेस्टर्स सर्कमस्पेक्ट रहे। पॉवेल ने यूएस कांग्रेस पैनल को अपनी टेस्टिमनी में कहा कि यूक्रेन के इन्वेजन, चल रहे युद्ध प्रतिबंधों और आने वाली इवेंट्स के यूएस इकोनॉमी पर नियर टर्म इफेक्ट्स हाईली अनसर्टन है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन पर रशिया द्वारा किया गया हमला अब एशियन इकोनॉमिक्स को भी प्रभावित कर रहा है, जो इसी तरीके के क्रिप्टो इंडस्ट्री पर भी प्रभाव डालेगा। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की गिरावट के साथ 43,629 डॉलर पर था, जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेर उसी समय में 2% की गिरावट के साथ 2,923 डॉलर पर था। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने कहा कि अमेरिका रशिया द्वारा प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसीज के पोटेंशियल इस्तेमाल की निगरानी करेगा। येलन के कमेंट्स सीनेट डेमोक्रेट के एक ग्रुप के प्रतिबंधों से बचने के लिए न्यू एसेट क्लास के इस्तेमाल और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट की रिस्पांस के जवाब में थी। डेमोक्रेट्स के ग्रुप ने इस बात पर रोशनी डाली कि प्रतिबंधों की घोषणा के बाद से क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग आसमान छू रही है। पिछले 2 दिनों में बिटकॉइन की कीमत 16% से ज्यादा बढ़ गई है। येलन ने कहा कि भले ही क्रिप्टोकरेंसी अक्सर मेंशन किया जाता है, ऐसे में ये एकमात्र चैनल नहीं है जहां प्रतिबंधों से बचा जा सकता है। कॉन्सेंसस एजी सीएजी क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क के पीछे इथेरियम सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसे मेश नाम से भी जाना जाता है। उसे अब $multi-billion के ऑडिट का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 35 पूर्व कर्मचारियों के एक ग्रुप ने स्विस कोर्ट को सीरियस इनरेगुलरिटीज की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट किया था। ग्रुप का आरोप है कि फंडामेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सब्सिडियरीज को इलीगल सीएजी से नई एंटिटी से कॉन्सेंसस सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेटेड सीएसआई कहा जाता है, उसमें 14 अगस्त 2020 को ट्रांसफर किया गया था। ये सीएसआई के 10% ओनरशिप और फाउंडर जोसेफ लुबिन द्वारा $39 million के लोन की भरपाई के बदले में था। हालांकि कॉन्सेंसस एजी के स्पोक्सपर्सन ने आरोपों को खंडन किया है और कहा कि मेश स्विस कोर्ट्स में आरोपों का औपचारिक रूप से खंडन करने के लिए तत्पर है। एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म चार्ल्स श्वाब ने क्रिप्टो इकोनॉमी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ को लॉन्च करने के लिए यूएसएससी के साथ याचिका दायर की है। फंड अपनी एसेट्स का 80% इक्विटीज में रखेगा, जो श्वाब क्रिप्टो इकोनॉमी इंडेक्स का हिस्सा है। श्वाब की फाइलिंग ने यह भी साफ कर दिया कि ईटीएफ सीधे तौर पर खुद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। हालांकि फंड का उन कंपनीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी के लिए इनडायरेक्ट रिस्क हो सकता है, जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज के हिस्से के रूप में एक या एक से ज्यादा डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं या जो डिजिटल एसेट्स को प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट्स के रूप में रखते हैं। ऐसे में अगर अप्रूव होता है तो ईटीएफ एनवाईएससी एआरसीए एक्सचेंजेस पर ट्रेड करेगा।
जापान के सबसे बड़े ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा होल्डिंग ने कहा कि वो 1 अप्रैल से अपने फ्यूचर इनोवेशन कंपनी को एक नई स्थापित डिजिटल कंपनी में रीऑर्गेनाइज करेगी। ये कदम क्रिप्टोकरेंसीज, सिक्योरिटीज और नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs जैसी डिजिटल एसेट्स के बढ़ते महत्व की सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। नोमुरा का इरादा ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से उत्पन्न इनोवेशन के फ्यूजन में टैप करना है और अपने प्राइवेट मार्केट बिजनेसेस को एक्सपांड करना और साथ ही इन फोकस एरियाज में अपनी सेवाओं को एक्सपांड करना है। नोमुरा के प्रेसिडेंट और ग्रुप के CEO केंटरो ओकुडा ने एक बयान में कहा कि प्राइवेट मार्केट्स में ऑपरेशंस को एक्सपांड करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक ड्राइव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नोमुरा दुनिया भर के इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को ब्रोकर डीलर, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है। सोलाना ब्लॉकचेन पर फोकस स्टार्टअप स्नो क्रैश ने घोषणा की है कि सोनी म्यूजिक और यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इसके अपकमिंग प्लेटफॉर्म का हिस्सा होने वाला है, जो इस साल के अंत में बॉब डायलन और माइल्स डेविस NFT को लॉन्च करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बॉब डायलन के बेटे जेसी डायलन स्नो क्रैश मार्केट प्लेस के को फाउंडर है, जिसका नाम नील स्टीफनसन के 1992 के साइंस फिक्शन नॉवेल से लिया गया है, जिसने मेटावर्स शब्द का भी आविष्कार किया था। स्नो क्रैश मौजूदा सोलाना बेस्ड NFT मार्केट प्लेसेज जैसे मैजिक एडन और सोलाना आर्ट के साथ कॉम्पीट करेगा, जो चयन पर ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा 2 लीडिंग एक्सचेंजेस है। ओपन सी सबसे बड़ा NFT मार्केट प्लेस है, उसने पिछले महीने लगभग $3.6 बिलियन का सेल किया है, लेकिन हाल के समय में सिर्फ इथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर NFT की ही पेशकश करता है। ऐसे में ओपन सी जल्द ही सोलाना NFTs को जोड़ सकता है। मेगा स्टार प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम के मेकर्स ने दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए वर्चुअल स्पेस मेटावर्स में दर्शकों के लिए कुछ खास लाया है। दरअसल राधे श्याम लोगों को मेटावर्स में अपने खुद के अवतार को क्रिएट करने का मौका देने वाली दुनिया की पहली फिल्म बन गई है। प्रभास पूजा हेगड़े स्टारर इस मल्टीलिंगुअल लव स्टोरी की कहानी यूरोप में 1970 के दशक में स्थापित है। फिल्म को राधा कृष्ण कुमार द्वारा डायरेक्ट किया गया है, जबकि ये भूषण कुमार, वामसी और प्रमोद द्वारा प्रोड्यूस है। यह फिल्म दुनिया भर में इस 11 मार्च 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। FTX US के प्रेसिडेंट ब्रेट हैरिसन ने कहा कि FTX वॉल्यूम का सबसे बड़ा हिस्सा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आता है। इस हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी मार्केट ने नोटेबल रिकवरी की है और साथ ही पूरे मार्केट कैप ने पिछले सप्ताह $1.5 ट्रिलियन से नीचे गिरने के बाद $2 ट्रिलियन से ऊपर पुश किया। हैरिसन ने उल्लेख किया कि अधिकांश इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टोकरेंसी को अपना रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटीज मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित है। ये पूछे जाने पर कि रशिया क्रिप्टोकरेंसी सैंक्शंस को दरकिनार कर रहा है, वही एग्जीक्यूटिव ने रिप्लाई दिया कि एक्सचेंजेस के पास सैंक्शन रशियन इंडिविजुअल्स को क्रिप्टोकरेंसी में फियाट क्रिप्टो को एक्सचेंज करने से रोकने के लिए टूल्स मौजूद थे। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सोलाना के बाद टेरा दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ स्टेक प्लेटफॉर्म बन गया है। एलिजिबल लूना टोकन का टोटल परसेंटेज हाल के समय में 41.35% पर है। ऐसे में स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी टोकन का टोटल डॉलर वैल्यू $30.1 बिलियन से ज्यादा हो गया है। ऐसे में इथेरियम 2.0 कॉन्ट्रैक्ट $28.4 बिलियन के स्टेक टोकन से साथ तीसरे स्थान पर आता है। स्टेकिंग एक टोकन को लॉक करने का एक प्रोसेस है ताकि रिवॉर्ड्स रिसीव किया जा सके। इस तरह से टेरा पर करंट एनुअल यील्ड लगभग 6.98% है। पिछले एक हफ्ते में लूना टोकन की कीमत में लगभग 90% की बढ़ोतरी हुई है, जो बिटकॉइन के मुकाबले काफी बेहतर है। फिलहाल की बात करें तो ये $93 पर ट्रेड कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।